नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि अपन मध्य प्रदेश का प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे थे, उसका अपन ने अभी तक इंग्लिश के ग्रामर के फिलर कंप्लीट किए हैं। और ग्रामर के फिलर कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश के प्रश्न बैंक के डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आज आपको इस वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाएंगे और 5 से 6 प्रश्न डू एज डायरेक्टेड करके बताऊंगा। आपके 18 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं कक्षा 10th के, उन एग्ज़ाम में के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी आपके प्रश्न बैंक से आने की पूर्णतः संभावना है, इसी में से आने हैं। तो इंग्लिश के प्रश्न बैंक के कक्षा 10th के डू एज डायरेक्टेड के आज क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ही डिड हिज वर्क वेल। ही डिड, डू डिड, यानी पास्ट सेकंड फॉर्म हो है। तीन फॉर्म होते हैं डू के, डू डिड और डन। डिड डिड कौन से टेंस में लगता है? पास्ट इनडेफिनिट में। पास्ट इनडेफिनिट टेंस को अपन जब नेगेटिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड नॉट, पास्ट इनडेफिनिट के लिए। ठीक है, तो पहला दिया है ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसको अपन को नेगेटिव बनाना है। पास्ट इनडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगती है। ठीक है, तो पहले का आंसर आएगा ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपने पास्ट इंडेफिनिट की, ही डिड नॉट। अब डिड का हो जाएगा डू, डू हिज वर्क वेल, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस। वह लड़का मेरा कजन है, कजन भाई है, जिसने दा बॉय वह लड़के ने रेस जीती है। बॉन माने जीतना, तो दा बॉय दो नाउन है और इसको रिलेटिव क्लॉज से बनाना है। कौन से रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है? कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। क्या कह रहा है? वह लड़का मेरा कजन है जिसने रेस जीती, तो किसने? उस लड़के ने। तो दो नाउन हटा के एक नाउन रहेगी, तो लिख देंगे अपन द बॉय इज माई कजन, रिलेटिव प्रोनाउन हु बिच दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं, तो इधर आएगा हु माने जो। अब द बॉय हटा देंगे, दो नाउन दी है ना, ए वाली नाउन है, एक ए वाली नाउन है, द बॉय नाउन है, दूसरी नाउन हटाएंगे, उसको डायग्राम लिख देंगे हु हैज वॉन द रेस। ठीक है, तीसरा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मतलब अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यदि नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। तो इनने बोला है री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस की जगह इफ रखना है। अनलेस की जगह क्या रखना है? इफ, तो अनलेस की जगह अपन इफ रख देंगे। इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे, तो ये तो गलत हो गया। इसको सही बनाने के लिए क्या करना है तो पड़ेगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है, ये गलत हो गया। इसको सही बनाने के लिए क्या कहना है? यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो इफ यू डू नॉट, क्या आएगा? डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा जानबूझ के, ताकि आपको इसका पता चल जाए सही और गलत का फर्क क्या होता है।
अगर आप डायट इन अनलेस की जगह इफ़ लगा देते और डू नॉट नहीं लगाते तो आपका पूरा सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाता। इधर मैंने डू नॉट इसलिए बाद में लगाया, इससे आपको याद रहे कि ये गलती कहाँ की है अपन ने। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक, अगला, तो अगला चौथा है अपना, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। अमन बहुत होशियार है, वह इस एग्जाम को पास कर सकता है आसानी से। तो इन्होंने बोला है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। देखो सो दैट, अभी तो एग्जाम पास है तो इसका पूरा विशेष रूप से विश्लेषण से बताना मुमकिन नहीं है, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सो जहाँ भी अपन को सो दैट का यूज करना है तो देखना सबसे पहले वेरी कहाँ लगा है। ये लगा है वेरी, ठीक है लिखा रहने दो, तो लिखो सेंटेंस को अमन इज, वेरी की जगह लगा दो सो। ठीक है सो, अब पूरा सेंटेंस उतारो, इंटेलिजेंट, अब फुल स्टॉप की जगह लगा दो दैट, तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया पूरा सेंटेंस, दैट ही कैन पास द एग्जाम इजली। ठीक है, अगला पांचवा देखो, अगला पांचवा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, वह अपना घर बेच रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है टेंस, इसको अपन को बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को अपन को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती हैज या है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो ठीक है, दे सिंगुलर है प्लुरल, प्लुरल प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। तो पांच में बनाएंगे अपन कैसे, दे की जगह दे, हैज या हैव, अब हैज या हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, थर्ड, दे हैव सोल्ड, तो सेल सोल्ड सोल्ड, थर्ड फॉर्म सेल का क्या आएगा, सोल्ड, सोल्ड देयर हाउस। समझ में, अगला है छठवां नंबर का, सी स्पीक द ट्रुथ, वह सच बोलती है, चेंज इनटू नेगेटिव, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस या ई एस, ऐसे ई एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका ओपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्प वर्ब क्या लगती है, डू नॉट या फिर डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट किसके लिए लगती है, प्लुरल के साथ, और डज नॉट सिंगुलर के साथ, ठीक, सिंगुलर नाउन के साथ, प्लुरल नाउन के साथ, तो इसका बनेगा कौन सा नंबर का है, छठवें नंबर का, दे स्पीक द ट्रुथ, इसका अपन को बनाना है नेगेटिव, तो क्या है छठवें नंबर का, सी, सी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज नॉट स्पीक, अब इसमें से ऐसा आएगा स्पीक द, ठीक है छठवां नंबर का कंप्लीट हो गया। चलो लास्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है अपन को। सातवें नंबर का है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस लगा है और आईएनजी भी लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बदलना है अपन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलने के लिए हेल्पिंग आएगी हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आई एन जी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे सातवें नंबर को, दे हैव बीन की जगह हैड बीन, हैव बीन की जगह हैड बीन पास्ट फॉर्म, ठीक है प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू।